अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम बिराओ, अस्सलाम वालेकुम बेलियो। दोस्तों आज बड़ा अहम है व्लॉग बनाने का। तकरीबन त्रै चार जड़ते हैं पर मैं व्लॉग बनाना छोड़ दिता है क्योंकि कुछ मसरूफियात हैं। आज सारे घर एक खास बंदे मेहमान बने हैं। वो खास बंदे कौन हैं? उन्हें भी कद तकरीबन त्रै फुट के करीब है। तुसा उन्हें को यूट्यूब उत्ते दिखा उसे 2016 च उन्हें शादी थी गई। वो भी तकरीबन उन्हें जी बेगम है, लगभग उन्हें दस गए उन्हें कद आई तो मुख्तलि चैनल उत्ते काफ़ी उन्हें चर्चा थी आई। शकील हुसैन उन्हें ना है तो उन्हें को प्यार को मुंशी मुंशी भी सदन। साढ़े एक भाई एडी साहब और जेडे कि साढ़े पीर भाई हैं मुल्तान बंद बोसण तो उन्हें तो हमसाए भी हैं, दोस्त भी हैं। वह सारे घर मेहमान बने तो अपने दोस्त अपने शकील भाई उन्हें को नाल गए हैं तो जुड़ते हैं तक उन्हें मिलवे हैं। लेकिन ये वीडियो को देखने को पहले तो सबको रिक्वेस्ट है कि अगर तुम चैनल नवे हो तो चैनल सब्सक्राइब करो सो उन अलावा बैल आइकन बटन को लाजमी प्रेस करो सो नाल ही मेरा फेसबुक पेज भी जरूर कर देना वास्ते ना तो उनको भी लाजमी लाइक और तो बैठा के जो भाई उन्हें बैठे हैं तो देख सकते वे ठीक है तो जुड़ते हैं तो कुछ ना मिलवे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल है भाई जान? ठीक हो देवे तबीयत से? ठीक है फेटी वे, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा दोस्तों तुसा ये देख सकते वे कि और मेरा का तकरीबन लगभग है तकरीबन 6 फुट के करीब है मेरा कद, 5 फुट से ज्यादा है। जते देख सकते कि मेरा कद सिर्फ 3 फुट ही है। तो सुन आप अंदाजा कर के लो कि मेरे एक किथा आंदे पन और देखो ये तकरीबन इथ मेरे आंदे पन मेरे पास से आंदे पन ते ए भाई उनी शकील भाई उनी हैं ते ए नाल भाई उनी सी के साडे एडी साहब उनी ए बंद बोसण तो हैं ते ए सानू मेहमान बने ना। अज रात सारे को ती रही हैं सारे वास्ते यानी कि बड़ी ही अच्छी गल है कि सारे घर अजे मेहमान बने ने। इन्हों कुछ असा सवाल पूछते हैं, कुछ इंटरव्यू करने हैं। अच्छा दोस्तों असा शकील भाई उन्हें जो तकरीबन उन्हें कद बहुत छोटी है, 3 फुट तकरीबन उन्हें कद है। सारे घर मेहमान बने हैं, बंद बोसण मुल्तान तो हैं सारे भाई एडी साहब उनके थ्रू ही था सारे को मेहमान बने। मैं मुल्तान 6 नंबर के दफ्तर है प्रॉपर्टी का ते उठे मुंशी गिरी का करेंगे में। अच्छा ओ तो को मुंशी गिरी वैसे कह रखे मतलब थोड़ा हर के कात छोटा है यानी कहीं हवाला तो कोई इतराज कर लाया गया उन्होंने किसी ने नहीं इतराज लाया लेकिन वो मेरे नाल प्यार करेंगे भाई तू मुझसे के तेरे खिदमत करेंगे कहाँ पर उसे नहीं चलाया है मैं जिनके उसे रह बेंगे में। अच्छा तुम्हारी उम्र कितना है? उम्र है 41 साल है। 40 साल जी। अच्छा ते थोड़ी शादी थी हुई है? जी हाँ शादी मेरी थी हुई है। अच्छा ते थोड़े बाल हैं? जी हाँ एक मेरा बेटा है। कितने साल का? 28 साल का। माशाल्लाह। अच्छा ते मैं कुछ असेस हो के तो आपको जिंदगी च कहीं कोई मुश्किलात पेश हैं थोड़ी छोटे कद हो जाकर कोई इंज वाक्य तो कुछ याद हो जाए जो बाहर निकलूं ते बाकी फिर नहीं लोग शहर च बाजार पेने कोई ओए इधर आओए किथे जा रही है मजाक भी उड़ाएंगे कई ऐसे लोग सानू प्यार करेंगे पानी पिला मुहब्बत करेंगे। अच्छा मतलब कदें बंदे यानी कि तो मतलब मजाक जो करना थोड़ा कहीं दिल टूटे कहीं तो अरमान लगे कि मेरा कद छोटा क्यों है कहीं यही महसूस था तो को जी बहुत तकलीफ होती है उस टाइम दिल लगे भाई बंदा घरों बाहर ही ना निकले ऐसे लोग मजाक उड़ेंगे तंग करेंगे। अच्छा ते कोई इंज है तो को जिंदगी लोग मिले जिन तो को बहुत प्यार देता हो ऐसे लोग हैं ये एडी भाई बैठे ने ये सारे नाल हम साए भी हैं बिरा भी हैं दोस्त भी बने हैं ये भी मलंग हैं ते इनके ये बहुत प्यार करेंगे और इन दा रकबा चकबा भी है अल्लाह दी मेहरबानी है ये खिदमत भी सारी करेंगे ने कोई शादी परेशानी नहीं हो मड़ेंगे मैं दस साल का। इन्हें देखना कितनी साल थे दोस्ती को? इन्हें देखने के बचपन दो हैं। अच्छा जम्मे पल्ले हैं तो एक बहन बेख लगे अच्छा सेंगे ही वे बस लग भाग अच्छा लग भाग ही वे माँ न्यूज़ ते 24 न्यूज़ चैनल ते थोड़ी शादी दी वीडियो चली गई थोड़ी बेगम दे बारे आखे गया कि वो तुम्हारे बराबर ने कहा थे क्या ये सच है? जी बिल्कुल सच है। अच्छा मेरे को अद्धा एक फुट ऊंची है लेकिन बराबर है। तो तुम्हारे खानदान ने बिन्ने की नाम छोटा कहा थे? जी हाँ और रिश्तेदार हैं उन्होंने कहा छोटा है मैं घर च कला छोटे कर दी रिश्तेदार थोड़े क्या लगते हैं वो कोई मामे का पोत्र है कोई चाचे का पोत्र है इस तरह के रिश्तेदार ते तुम्हारे अम्मी अबू या तुम्हारे भेणी भिराज के नाम है? नहीं उन्होंने माशाला सही कर दे बड़े बड़े कर दे ते तुम्हारा जो बेटा पैदा था उनका की मैं कर दे ओला कद भी माशाला। शकील भाई मैं कोई रस सो के तो को कहीं कोई चैनल तो ऑफर थई है कि भी ड्रामे च काम करो या कोई गाने च काम करो कहीं इस तरह तो को ऑफर थई है?
ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਟੀ ਪੀ ਗੋਲਡ ਵਾਲੇ ਸਰਵਾਜਾ ਜੀ ਉਹ ਆਸਿਫ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਖਾਣ ਖਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮਰ ਗਈ ਉਹਦੇ ਹੀ ਇਨਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਜਾ ਨੇ ਵਸੇਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਹਾਂ ਬਈ ਕੇ ਵੀ ਆਈਏ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਆ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਈ ਸਕੇ ਵੀ ਵਾਲੇ ਵਿਆਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਜੀ ਇਨਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਏ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ अच्छा मैं को ये दसो कि तुहाकू जिम्मे थोड़ा कद छोटा है हुकूमत तरफ आता कोई पैकेज मिले या कोई जी सहूलत के हुकूमत नवाज शरीफ दी हुकूमत च बैदर जो से भाई मैं मुझे का मेरी कोई बनाओ उस टाइम में भी इन्हें सुनी गई हूँ इमरान खान की हुकूमत आई है ये भी सोशल वेयर दफ्तर गया कदरी कहें नवाज शरीफ हस्पताल जाओ ये करवाओ वो करवाओ साड़ी कोई गल सुन दी भी नहीं अखीर घर आ जाने फिर फिर के नहीं उन्हें हुकूमत ने साड़ी कोई खिदमत क्या पैगाम देना चाहते हो तो आपको क्या सहूलत दी उन्हें क्या है जी चीज़ और थोड़े वास्ते असर तो ये है भाई साड़ी जिनके कोई परेशानी हो फौरी तौर हल हो बने सानू ऐसा कोई बंदा लिता बने जेड़ा साड़ी फौरी तौर सुने हूँ बप्पी आया है उन्होंने जाके मिले सैकटरी है चेयरमैन ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਤੈਕ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਪੁਰ ਕਰਵਾ ਲਏ ਨੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵੀ ਲਵਾ ਲਏ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਤਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਮਤਲਬ ਔਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਥਾ ਵੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬ ਕੋ ਅੱਛਾ ਸਲਾਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਥਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬਾਈਨ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿਨਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦਣੀ ਲਿਆਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਅਗਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਣੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਘਰ ਕੋਟੀ ਵਧੀਏ ਇਹ ਦੋਸਤ ਨੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਿਨਕੇ ਮੇਰੀ ਅਕਸਰ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਰੱਖਦੇ अच्छा भेजन आजकल दौर है जदीद डिजिटल दौर है आजकल बंदा हर बंदा अपना यूट्यूब चैनल बना सकते क्या तो अज तक कई बंदे सलाह नहीं दीती या तुसा आप अज तक कोई चैनल कोई आईडी वगैरह कहने बने कि जब काम कर सको नहीं इस टाइम तक तो किसी ने नहीं सानू सलाह दीती ए कर वो कर या ऐसा खर्चा करें तू ये चीज़ बना कोई से नहीं की थी नहीं भेजन खर्चे की जरूरत कहनी होती जस्ट मोबाइल हर बंद हाथ से सिर्फ मोबाइल हो भैया ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਬਸ ਨਾ ਚਾਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਜਾ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜੂਸ ਥਾਇਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਕਰਮਾਂ ਲਗਾਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਨੇ ਹੋ ਕੋਈ ਇੰਜਾ ਵਾਕਿਆ ਜਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਇਹ ਲੋਕ ਤੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਆਸੂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਹਫਤਾ ਹਫਤਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਆ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਆਹ ਯਾਰੋ ਫਲਾਣੇ ਬਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਬਸ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜੂਸ ਥਿੰਦੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਕੋ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਬੰਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰੇਡੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਪਸੰਦ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲਾਇਨ ਦੋਸਤਾਂ ਸਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਪੰਜਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਚੌਦਾਂ ਮਸੂਮਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਜੋ ਘਰ ਬਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਸਾਨ ਹੋ ਬਣੀ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਸਭ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਰਾਲਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੈ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਲੋੜ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਉਮਰ ਸਲਮਦ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਸ਼ਕੀਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਏਡੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 24 ਸਾਲ ਪਿੱਛਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਕਪਣ ਆਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਟਿੱਬਾ ਵੀ ਪਛਾ ਗਈਆਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਆਗਾ ਹੁਸੈਨ ਔਰ ਬਾਬਾ ਵਲੈਤ ਅਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕ ਉਹਦੇ
पाक बेटे बाबा अमरदास सिंह सरकार, बाबा सोर सिंह सरकार, बाबा फिया सिंह सरकार, उन्होंने मैनू जीवना सिखाया, इंसानियत सिखाई। ये मैं कोई मिले में मेरे ना प्यार किया, कोई मिले ये नहीं कोई गरीब कोई किसी, इतना मैं कर सका मैं अपने सब औकात धन्यवाद किया। लेकिन लिया अपना जो कुछ मेरे को मिले अपने मुर्शिद खाने को भविष्य को, इंसानियत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बेसिकली अपनी गरीबी हाल जिस हाल ये बेचारा जो बयान कर गए सारी हकीकत बयान कर गए, इन्हें खुदा का खौफ होता ना वो तले देख के चल रहा है वो जैसे कि यार देगी चंद दे दी तो मैं चला बने दुनिया छोड़ के। वो इस तरह के लोग जोड़े हैं जिन्हें खुदा का खौफ नहीं वो तंग कर रहे वो मजाक कर। अच्छा ये आर महसूस नहीं की थी कि भी ना कद छोटा है या ये अजीब लगते थे मैं तो भी एक प्रॉपर एक मुकम्मल इंसान है तो ये थोड़ा छोटा एबनॉर्मल है थोड़ा, ठीक है कभी ये चीज़ में महसूस नहीं की थी? नहीं नहीं मैं एक अपने आप तो कई दर्जे चंगा समझा कि इस तरह के लोगों नाल जितनी हमदर्दी करे से अल्लाह पाक उन्होंने नाल उतनी हमदर्दी करे से, ये भी अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह पाक ने इन्हें ऐसा क्यों बनाया है इस तरह बनाया पता नहीं अल्लाह पाक इन्हें कितना प्यार करें ये और खिदमत करनी चाहिए। और जिस जिस इलाके रहा उतुदा को जो चेयरमैन है या कोई है जिम्मेदार इलाके का कोई है वो कुछ चाहिए कि महीने के महीने खर्चा खराचा दाने पैसे जो भी जरूरियात हो देन कपड़े दोस्तों तो मैं हूने मिलवाए यानी कि शकील भैन ना एक बिजली का नहीं गर्मी बहुत है, ठीक है तो इन्हें कोई बहुत पसीना आया बैठा हो सी तो इन्हें ना असल तो गप शप सुनवाई मैं इन्हें जिंदगी की जो मुश्किल हम तो वो दसवाए मैं तो उन्हें अलावा इन्हें जिंदगी जो मसीहा जो इन्हें दोस्त हैं उन्हें बारे तो मतलब पूछे मैं उन्हें जवाब दिते। उम्मीद करें तो मेरा विलाग अच्छा लगा हो सी तो तुसा अगर वीडियो को देते पाए तो वीडियो को लाइक लाजमी करो उनके अलावा अगर चैनल तो नवे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सो बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर सो उनके अलावा मेरा फेसबुक पेज भी है जरूर करने वास्ते ना तो उनको भी लाजमी फॉलो तो लाइक कर रहे इन्हें अपने विरासत जरूर करने वास्तव को इजाजत दे सो अल्लाह हाफिज़।